है हमारा बैसाखी फेस्टिवल का। और ये आज जैसे मैं पहले आपको दो शाम जो गई हैं मैंने आपको बताता रहा हूं कि कैसे आज का जो फंक्शन है ये हमारे लिए बड़ा खास फंक्शन है। पहले तो मैं बताऊंगा मान का ये पल है कि हमारे मध्य में श्री कप्तान सिंह सोलंकी, गवर्नर हरियाणा, गवर्नर पंजाब और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर आज यहाँ पे विराजमान हैं, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आप मेरा ख्याल है आप सभी इनको जानते हो, और अगर कोई जानता भी नहीं तो गूगल पे जाओ आप जान जाते हैं कि आजकल कौन कहाँ पे है। एक ब्रीफ बात, मुझे इनको मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कोई मेरा ख्याल है 10 दिन पहले की बात है। वो प्रसंग ये था कि चंडीगढ़ के 5 लाख लोग जो है वो हाउसिंग बोर्ड में रहते हैं, उनकी एक प्रॉब्लम थी, तो शाम को इनको मिलने के लिए चले गए। तो मैं सिर्फ वो 2 मिनट की आपको बात बताऊंगा मेरा जो अनुभव हुआ कि मेरे पास लिखा हुआ था वो जो मेमोरेंडम होता है, तो हमारे बड़े हरमन प्यारे नेता हैं बीजेपी के प्रधान श्री संजय टंडन जी, वो इनको कहने लगे मेरे बारे में, तो उन्होंने कहा इनके पास लिखा हुआ है मुझे पढ़ने दो। तो मैंने इनको कागज दे दिया, तो फिर संजय जी द्वारा हमारी प्रॉब्लम बताने लगे, तो ये कहते हैं ये बोल सकते हैं आप चुप रहो। तो मैंने 2 मिनट लगा के अपनी बात बताई, और मैं अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कह रहा हूं कि इन्होंने 2-3 मिनट में मेरी बात समझी। होम सेक्रेटरी बैठे थे, उनसे पूछा, और इनका एक वाक्य मेरे लिए ये था कि आपकी समस्या आपके हिसाब से हल करेंगे, आपके हिसाब से हल करेंगे, ये एक सेंटेंस है। और मुझे ना बड़ा चंबा हुआ इस बात का, क्योंकि सर मेरा तजुर्बा पता क्या है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं पावरफुल लोग, वो चर्चिल के चेले हैं अभी तक भी, उनमें से बहुत ज्यादा लोग, वो ऐसा मैं सोचता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी प्रोग्राम बनाती हैं, अगर एक प्रोग्राम बना लें कि इंडियनाइज द ब्यूरोक्रेट्स, शायद लोगों की प्रॉब्लम्स हल हो जाएं। तो मेरा बड़ा अब तक का अनुभव ये रहा है कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अभी चर्चिल के चेले हैं, और ऐसे सज्जन जो हैं वो बड़े कामिल। मैंने इनको, मुझे याद आ गया होगा, मैंने इनको बताया, मैं बाहर जाने लगा तो मैं वापस आया, मैंने इनको बताया कि सर आपसे पहले जो सज्जन थे उनको मैंने यही बात बताई थी, और वो मुझे कहते थे कि आपको अरेस्ट करेंगे, आपको अरेस्ट करेंगे। मैं कहा ये तो साचा कंट्रास्ट, गॉड ब्लेस यू, मैं इनको कह के आया। तो ये मैं, मुझे ये लगा, पहले मुझे हैरानी भी हुई, लेकिन तब मैंने आके गूगल पे देखा तो ही हैज बीन अ टीचर,
So he is not a kind of that peculiar kind of bureaucrat. Matlab, he has been teaching in schools, he has been teaching in colleges. So then I could understand that, see, ye aisa jo attitude hai, ye kyo hai. Aur maine ye nishkarsh nikala ke kai aam taur pe kya hota hai? Political party, jo politicians hote hain, unko political party ki zarurat hoti hai. Lekin aise sajjan hain जो पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसे सज्जनों की जरूरत होती है, ये मैंने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज नीड सच पीपल. और अगर ऐसे सज्जन वहां पे हों तो अच्छे दिन आ सकते हैं. हमें लगता है कि अच्छे दिन आ सकते हैं अगर ऐसे सज्जन वहां पे हो. आपको मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं. और दूसरे सज्जनों का हमारे मध्य में पन्नू साहब बैठे हैं. पन्नू साहब भी आपकी कॉपी हैं जी. किसी दिन आपके साथ बैठेंगे तो पता चलेगा. ही इज अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग और हमें उनका यहाँ पे बहुत हमें उनकी सहायता है. और सज्जन बैठे हैं हमारे वाइस चेयरमैन बैठे हैं जीएस भट्टी साहब बैठे हैं जो जिस फाउंडेशन ने आज ये अवार्ड देने हैं. और इनके छोटे भाई जीएस भट्टी बॉम्बे से चल के आए हैं. उनका स्पेशली मैं धन्यवाद करता हूँ. बोल के दस दो कोई गल नहीं. अब शुरू अब जो शमा रोशन करें 10 मिनट का हमारा. सर ये जो हमने रिसेंटली एक्टिविटीज की हैं उनका एक छोटा सा आपको स्लाइड दिखाने लगे हैं. रिसेंट एक्टिविटीज प्लीज स्टार्ट. और हिंदुस्तान की जानी पहचानी हस्ती रहे हैं और चंडीगढ़ को और पंजाब को इनकी बड़ी देन है. तो हमने फैसला किया कि एक पूरा महीना, क्योंकि ये इनका जन्मदिन 2 फरवरी है और 3 मार्च को इनका निधन हो गया. चन्नी जो चंडीगढ़ साहित्य अकेडमी के चेयरमैन है, उनका शो था एक दिन. जी एस भट्टी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे मुख्य मेहमान को मंच पे लेके आए. पहले शमा रोशन करें. विधि साहब, आपके लिए एक शेर है कि चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक, बहुत दूर तक रात ही रात होगी. ये जो चराग जले हैं इनके लिए ये शेर है, चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी. मैं आपको विनती करता हूँ अपनी अपने स्थान ग्रहण करने. और अब मैं आप जैसे जानते हैं कि ये जो फंक्शन है, इसकी जो जान है वो हमारे सम्मान है उन 3 कलाकारों का, 3 वो रचनात्मक जो हस्तियां हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है. अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो अकेडमी के सेक्रेटरी हैं मैडम साधना संगर, आप सबसे पहले ललित कला के फील्ड में जिन्होंने अवार्ड लिया है, आज का अवार्ड जिनको जा रहा है, प्रोफेसर जोत सिंह, आप इनको स्कॉट करके इनके स्थान तक पहुंचाए. चंडीगढ़ के लिए गर्व का विषय है कि ये हमारे साथ हैं प्रोफेसर जोत सिंह. अब मैं संगीत नाट अकेडमी के हमारे सेक्रेटरी सुदेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे संगीत नाट के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट श्रीमती रीना जी को एस्कॉर्ट करें. रीना जी आप जानते हैं कि ये भी चंडीगढ़ में, और सारे जो लोग थिएटर जानते हैं, जो लोग टेलीविजन को समझते हैं, तो वो इनको जानते हैं. बेमिसाल कंट्रीब्यूशन इनकी. अब मैं हमारी साहित्य अकेडमी के उप प्रधान श्रीमती सर्वजीत सोहल को विनती करूंगा कि हमारे साहित्य अकादमी की ओर से अवार्ड लेने वाले श्री सी मार्कंडा, इनको आप लेके आए. सी मार्कंडा जी पंजाब में तपा से हैं
और सारी जिंदगी इन्होंने अध्यापन किया है, संपादन किया है, लिखा है, और साथ में एक बड़े सच्चे और सुच्चे इंसान की तरह इनकी जिंदगी रही है। आप सभी को हमारा अभिनंदन। तो अब मैं हमारे चेयरपर्सन His Excellency श्री कप्तान सिंह सोलंकी जी, Honorable गवर्नर हरियाणा पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूटी पन्नू साहब, पति साहब, द ऑनर्ड पर्सनैलिटीज ऑफ द डे एंड ऑगस्ट गैदरिंग, मैं परमिशन लेती है गवर्नर साहब को कि मैं पंजाबी च गल कर सकती हाँ, तो कहते मैं पंजाबी समझदा बखूबी। ये साड़ी खुशकिस्मती है कि चंडीगढ़ पंजाब ते हरियाणे नूं सांझा ओ रोशन दिमाग मिलिया जिस दी इस धरती नूं लंबे समय तो लोड़ सी। चंडीगढ़ अज एशिया दा जाना माना शहर है, बहुत कुछ इस नूं हासिल है, पर जदों थल्ले तक वेखिए बहुत कुछ बड़ा लंबा गैप है जिस नूं पूरा करन लई सर आप जही शख्सियत की लोड़ सी जो पेशे तो अध्यापक ते कमिटेड सोशल पर्सनैलिटी होंदिया होया अज चंडीगढ़ की रहनुमाई कर रहे हैं। सर असी तह दिलों धन्नवादी हाँ, अज के दिन तुसी नवाजिया सानू, तुसी सानू ने नवाजिया सर। अज तुसी पंजाब की उस अमीर विरासत जिसकी कला, जिसका रंगमंच, जिसका साहित ते जिस दे मिट्टी ते जिस दा सभ्याचार सारे संसार दे सिर चढ़ के बोलदा है, ओ शख्सियतां जिन्होंने जीवन लाया इस खेतर विच, शायद असी किसे रुतबे दे नाल, शायद किसे पैसे दे अमाउंट नाल असी उन्हां नाल इंसाफ नहीं कर सकते, पर अज बहुत वड्डा इंसाफ ते सन्मान हो गया जदों स्टेट हेड आप चल के उन्हां नूं नवाजन दे लई साडे विच हाजर होए। सर मैं धन्नवादी हाँ एच एस पट्टी फाउंडेशन दी, इस ऑडिटोरियम जिथे तुसी बैठे हो मैं दस रही सी साडे कोल एक रुपया भी नहीं सी, असी पैसा पैसा कट्ठा करके एक करोड़ कट्ठा कीता ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दी मैचिंग ग्रांट एक करोड़ लैके दो करोड़ दे नाल ए ऑडिटोरियम बनवाया। ओ शख्सियत जो अज साडे विच नहीं, ए उन्हां दी हल्लाशेरी ते उन्हां दी हिम्मत सी कि इन्ना वड्डा अदारा बिना किसी स्टेट फंड दे साडे सामने साडे कोल है। ये एक्टिविटीज एक महीने दिया तुसी देखिया ने सर, मैं बहुत खुशी दी गल ते नहीं, प्रमाण इस गल दा है कि कलाकार जदों अपनी लिख डाउंदे ने, जदों सिदक दे नाल युद्ध संघर्ष ले तुरदे ने, एक समाजी इनकलाब दी गल करदे ने, ते पैसे उहनां दे लई कोई मायना नहीं रखदा। मेरा सिर न्योंदा पंजाब संगीत नाटक अकैडमी, पंजाब ललित कला अकैडमी ते पंजाब साहित अकैडमी नूं जिन्हां ने कदे भी पंजाब सरकार दे फंडां दी परवाह कीते बिना अज ए मुकाम लै आंदा कि दुनिया दे विच जे किसे जगह ते 30 रोजा फेस्टिवल हो रहा है ओ केवल पंजाब कला भवन है। चंडीगढ़ नूं ए मान हासिल होएगा कि डॉक्टर एम एस रंधावा जिथे पंजाब दे कल्चर ते एग्रीकल्चर दोनों दे भीषम पितामा रहे, उत्थे चंडीगढ़ दे भी पहले चीफ कमिश्नर ही नहीं रहे बल्कि चंडीगढ़ नूं ओ कुछ दे गए कि रहिंदी दुनिया तक दुनिया अवार्ड करदी रहेगी चंडीगढ़ दी उस प्लानिंग नूं, उस ग्रीनरी नूं, उस फ्लोरल ब्यूटी नूं जो रंधावा साहब ने दुनिया च घूम के आप लियांदी ते अपने हत्थी मालियां दे नाल खड़ के लवाई। सर सानूं अफसोस रहिंदा सी कि चंडीगढ़ प्रशासन इहो जी शख्सियत नूं किवें भुल सकदा है। असी सिदक दे नाल संघर्ष दे रूप विच मेला शुरू कीता सी, पर सर अज ओ जोबन ते गल आई है कि जदों आप जईयां रहनुमा शख्सियतां सानू निवाजन आईयां ने, सानू पता है चंडीगढ़ दे नाल रंधावा साहब ते रंधावा साहब दे नाल पंजाब दे सभ्याचार दी गल मुड़ के अंबरां दे शिखर नूं छूएगी ते एक सोशल इनकलाब दी गल मुड़ के कर सकेगी। सर मैं तह दिलों धन्नवाद ते जी आयां कहिंदी आं, तुहाडे नाल बैठे ने पंजाब सरकार दे को अफसर जिन्हां नूं असी अफसर वजो नहीं बुलाया, ए अदारा कलाकारां दा मक्का है, ते सरदार कान सिंह पन्नू शिद्दत दे नाल, सिदक दे नाल
पूजन वाले वो शख्सियत अफसर हैं जिहड़े कि सदा ही पंजाब दे कल्चर ते एग्रीकल्चर नूं उच्चियां बुलंदियां ते लिजाणा चाहुंदे ने। सर मैं ज्यादा समा ना लैंदिआं होइआं थानू जी आयां ते धन्नवाद कहिंदिआं अज दे अवार्डिस नूं वी नमन करदिआं अपना तहि दिलों धन्नवाद करदिआं ते धन्नवाद करदिआं मैं अरुण सूद जी दा वी जिन्हां ने अहम भूमिका निभाई गवर्नर साहब नूं साडी सिफारिश करन दी वी। बेशक मैं तीन बार गवर्नर साहब नूं मिल चुकी हां पर रुझेवे इन्ने ने ते इन्हां दा रुतबा इन्ना वड्डा है करन वाले काम इन्ने ज्यादा ने मैं हाले तक अपनी गल नहीं कह पाई सी पर शुक्रिया तुहाडा कि सानूं इह मौका मिलिया। ते दो गल्लां गवर्नर साहब थल्ले तुसीं गैलरी देखी है मेकरस ऑफ पंजाब गैलरी इस गैलरी का एक एक पोर्ट्रेट उन्हां कलाकारों नूं बणिया है जिन्हां दे पोर्ट्रेट पंजाब देश की लोक सभा दे विच देश की आर्काइव लै गैलरीज दे विच हन और जिहड़े इन्ने माण मत्ते ने कि अज एक एक पोर्ट्रेट की कीमत मैं कहां करोड़ों तो घट नहीं जे असीं करोड़ कीमत भी लाइए तो कलाकार कदे उन्हां नूं बेचण नहीं देणगे कहणगे ये बेमिसाल कीमत है इन्हां पोर्ट्रेट्स की। सर ये गैलरी तिरंदावा फोटो गैलरी असीं इस शिद्दत नाल डेडिकेट की है चंडीगढ़ नूं कि आप की रहनुमाई विच चंडीगढ़ के टूरिस्ट मैप विच एक होर फैदर एड हो सके। इस दे नाल सर दो बेनतियां थोड़े कोल पंजाब सरकार लई असीं करनियां ने। पंजाब सरकार ने कल्चर सेस हुणे लगाया है आप जी स्टेट हैड हो अज दा दिन आप जी राही असीं मुख्यमंत्री पंजाब नूं कहना चाहुंदे आ कि मिनिमम 50 लाख रुपए ईच अकैडमी वो हर साल कल्चर सेस दे विच्चों साडा शेयर सानूं देण जो कि बहुत निमाणी जिही राशि है कल्चर सेस दे विच्चों और मैनूं लगता है कि यह मिनिमम हक साडा है। ते इस दे नाल सर पंजाब सरकार दी नोटिफिकेशन है कल्चर दी प्रमोशन लई असीं कमिटेड हाँ अज चंडीगढ़ प्रशासन तां सरप्लस स्टेट हुंदा होया भी बहुत वड्डे किराए लैके टैगोर थिएटर नूं देंदा है पर असीं कमिटेड हाँ थिएटर या कोई भी आर्ट प्रमोशन दा अदारा इत्थे आउंदा है ते असीं केवल लागत कीमत ते इह ऑडिटोरियम नूं दिंदे हां कोई प्रॉफिट विच्चों नहीं लैंदे। साडी बेनती है कि इन्हां कलाकारां ने अज थिएटर नूं उह मुकाम ते पहुंचा दित्ता है कि साडे कोल यंग व्यूअर्स जमीन ते बैठ के भी थिएटर वेखदे ने ते असीं सोचदे हां जे अज नशियां नूं रोकणा है जे अज वलगैरिटी नूं रोकणा है जे अज अपनी संस्कृति नूं समर्पित होना ते जरूरी है इन्हां कलाकारां दी बांह फड़िए जिहड़े नौजवानां विच नवीं रूह नवा पैशन नवा जज्बा भर सकदे ने। साडी बेनती है कि उह नोटिफिकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन इत्थे लागू करदिआं चंडीगढ़ दे थिएटर नूं टिकट लाउण दी इजाजत दे जावे तां जो इह थिएटर नूं कमिटेड कलाकार जिहड़े सोशल रेवोल्यूशन लई कमिटेड ने इन्हां नूं हथ ना अड़ने पैण थिएटर लई काम करन दे लई। सो इन्नियां बेनतियां असीं अज तुहाडे आउण ते क्योंकि आप जी बड़ी सुहिरता नाल हर मुद्दे नूं लैंदे हो बड़ी डेप्थ तक वाचदे हो ते आप जी कमिटेड हो जन सेवा दे लई सानूं बखूबी पता है। असीं आस करदे हां कि अज दा दिन इतिहासिक दिन होवेगा चंडीगढ़ ते पंजाब दे कला जगत लई कि आप दी रहनुमाई विच इह नवीआं शुरुआतां ही नहीं होणगीआं बल्कि असीं आप जी राहीं दूर दुराडे कलोनियां ते पिंडां विच पुज्जांगे सभ्याचार दे उन्हां पहलुआं नूं छोड़ लई जिन्हां बसी बिना असीं सदा अधूरे रहांगे। बहुत बहुत धन्नवाद ते जी आयां नूं थैंक यू सो मच। पंजाबी को बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन मैं हिंदी में बोलता रहूंगा आज क्योंकि पिछली बार एमपी से ही मध्य प्रदेश से ही वो टिपानिया जी हैं जिन्होंने कबीर गाया है जी वो यहाँ पे थे तो मैंने पूरी पंजाबी प्यार से बोली तो बाद में उन्होंने कहा कि हिंदी में दोहरा बताओ तो वो दिल की बात द्वारा उतनी स्पष्टता से तो नहीं जाती लेकिन मुझे फिर हिंदी करनी पड़ी उसकी तो मैंने सोचा पहले ही हिंदी में बोलते हैं। अब अरुण जी का धन्यवाद और चावला जी हमारे एक्स मेयर बैठे हैं इनका भी धन्यवाद ही आए हैं। अब हम वो अवार्ड सेरेमनी अपनी शुरू करने लगे हैं। सो सबसे पहले हम प्रोफेसर ज्योत सिंह जो कला के क्षेत्र में बड़े जाने पहचाने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने में पहचाने हस्ती हैं उनको अपना अवार्ड देंगे। मैं सेक्रेटरी साहब को कहता हूँ कि आप उनके साथ चलिए और मैं ये छोटा सा उनके लिए साइटेशन पढ़ता हूँ। प्रोफेसर ज्योत सिंह ए हुण पंजाबी च लिखा होया क्योंकि असी पंजाब कला परिषद वालों पंजाबी च साइटेशन देने हैं। एक शख्स है
जो रंगां दे मिजाज नूं खूब समझदा है, जो लकीरां दी तकदीर संवारनी जानदा है, जिस दी उडीक कैनवस ने हमेशा बड़ी शिद्दत नाल कीती है, अते जिस दे हत्थां दी छोह नूं पाके बुरश सच शिप ते सुंदर दे माध्यम बन जांदे हन। ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰ ਕਲਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸਮਾਨੀ ਹੁਸਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜਗਿਆਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਬੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕਾਡਮੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। श्री एच एस पट्टी यादगारी पुरस्कार प्रोफेसर जोत सिंह जी का योग हक है। इस अवार्ड्स मैं तुम दसा साइटेशन है, शॉल है, 25,000 ਦਾ ਕੈਸ਼ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ ਐਸ ਪੱਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਉਸਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ 15 April ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ 3 ਰਚਨਾਤਮਕ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। साइटेशन उन्होंने वास्ते जी पढ़न लगे हैं, श्रीमती वीना तीर, जो कुदरत सुन लो होना गल भी अपना शाबाश, मैं पता थोड़े उस्ताद ने कि इदा ही चलता तो मैं पर साड़ी श्रद्धा के शब्द कि जो कुदरत प्रतिभा बंटती है तो कई शख्सियतों अपने सब तो वध चहेतियां विच गिणती है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਕਈ ਨੇਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਕੋ ਨਕ ਭਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਤੀਰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਅਤੇ ਚਹੇਤੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਤਾਰਾ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਨੂਠਾ ਅਭਿਨੈ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਚੰਬਿਤ ਮੌਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਸੁਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਮੰਚਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਮਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਤੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਭਿਨੈ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਬਖਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਟਕਿਰਤਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਐਚ ਐਸ ਪੱਟੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸਨਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵੀਨਾ ਤੀਰ ਦੀ ਵਾਜਿਬ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਨਮਾਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਣੀ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਮਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਝੂਠ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਰਦਲ ਉੱਤੇ ਬੇਖੌਫ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਿਲਪ, ਸੋਝ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਸ਼ਮ ਚਿਰਾਗ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਯਥਾਰਥ ਦੇ ਦਿਸ ਅੱਦੇ 'ਤੇ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ, ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਸੰਪਾਦਕ, ਇਹ ਲੇਖਕ, ਸਮੀਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧਕ ਸਿਰੜ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਹਸਤੀ
पंजाबी जगत की मन्नी परमन्नी शख्सियत श्री सी मारकंडा जी हैं। श्री सी मारकंडा ने अध्यापन नूं संवारिया है, साहित नूं सजाया है, जिंदगी दे बिग बड़ा नूं साहस ते सहज नाल सिद्ध करन दा यतन कीता है। श्री एच एस पट्टी यादगारी पुरस्कार श्री सी मारकंडा दे तप नूं समर्पित है। साडे इत्थे वाइस प्रेजिडेंट होणगे साडे ललित कला अकैडमी दे, ओह होणगे ते मैडम तुसी पन्नू साहब नूं अपना एक छोटा जिहा प्यार दा तोहफा श्री कान सिंह पन्नू जी दे नाम। चेयरपर्सन पंजाब कला परिषद, इंजीनियर एस एस वर्दी, वाइस चेयरमैन पंजाब आर्ट्स काउंसिल प्रोफेसर निर्मल दत्त, सेक्रेटरी जनरल पंजाब कला परिषद, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैंने कला के लिए समर्पित प्रमुख कलाकारों का आज सम्मान किया है। श्री मारकंडा जी, मारकंडा जी का नाम जब मैं लेता हूं तो मुझे मौलाना की मारकंडा नदी याद आती है और उसके साथ फिर जिन्होंने तपस्या की ऐसे महर्षि मारकंडेश्वर की याद आती है। प्रोफेसर जोत सिंह जी, श्रीमती बीना धीर, अन्य मुख्य महानुभाव श्री के एस पन्नू जी, आईएएस चेयर पर्सन पंजाब आर्ट्स काउंसिल जीएस भट्टी जी, मिस्टर प्रदीप छाबरा एक्स मेयर चंडीगढ़, मिस्टर अरुण सूद काउंसलर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ अमृत सागर जी, नाम तो बहुत से हैं जो मैंने लेना चाहिए
लेकिन सीमा में रहना अच्छा होता है, सीमा क्रॉस करना ठीक नहीं, और इसलिए मैं तहे दिल से आप सबका जो आज बैसाखी के त्रिदिवसीय समापन के अवसर पर उपस्थित हैं ऐसे सभी कलाकार भाइयों बहनों पत्रकार बंधुओं, पंजाब कला परिषद के त्रिदिवसीय सम्मेलन के समापन अवसर पर मैं आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं। मुझे बहुत उत्साह की और प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, एहसास हो रहा है। पंजाब कला परिषद ये संस्था है, संगठन है, लेकिन आज जो गति इसको दे रहे हैं तो मुझे दोनों महानुभाव बार बार दिख रहे हैं। एक तो चेयरपर्सन बीबी हरजिंदर कौर और इसके जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर निर्मल दत्त जी, ऐसे महानुभाव किसी भी संगठन को अगर मिल जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस संगठन को कोई दिक्कत जाएगी। कोई भी काम हाथ में लेंगे, सफलता इस संगठन की और इन सबकी पैर चूमेगी। मैं जब यहां पर बैठ करके देख रहा था कि आपका 2 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक 2015 में जो कभी यहां चीफ कमिश्नर रहे, चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना तो चल रही है और वो स्मार्ट सिटी बनेगी, लेकिन एमएस रंधावा भी जो इसको रूप देकर के गए वो भी स्मार्ट सिटी से कम नहीं है। उनकी स्मृति में आपने 1 मास तक और संपूर्ण उपस्थिति के साथ विभिन्न कलाओं का जो प्रदर्शन किया है और कला के माध्यम से जो कलाकारों को प्रोत्साहित किया है, उनकी कला को और विकसित किया है, अलंकृत किया है, विभूषित किया है, कला के क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं को मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूं। यह सिर्फ पंजाब कला परिषद ही नहीं है, वो तो एक आयोजक है। श्रीमान भट्टी जी की स्मृति में सारा आयोजन हुआ है। यह पंजाब कला परिषद के साथ में पंजाब साहित्य एकेडमी है, ललित कला एकेडमी है, नाट्य एकेडमी है, संगीत एकेडमी है, ये इतनी सारी की सारी संस्थाएं समाज के क्षेत्र में वो काम कर रही हैं जिसकी हर मनुष्य को, मानव मात्र को बहुत जरूरत है। आपने अगर मनुष्य बना दिया वास्तव में, अगर उसको इंसान बना दिया तो इससे बड़ा योगदान राष्ट्र के लिए और समाज के लिए नहीं हो सकता। ये मनुष्य जिसको आप देखते हो, ये चलता फिरता मानव, ये शरीर है, लेकिन शरीर तो दिखता है। इस शरीर के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन शरीर को चलाती हैं। इस शरीर के पीछे मन है जो बहुत चंचल होता है। ये व्यक्ति का मन ही तय करता है कि ये मानव है कि दानव है, ये समाज के लिए हितकारी है कि विध्वंसकारी है, ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, ये व्यक्ति का मन ही तय करता है। और इसलिए शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन शरीर तो शरीर है, शरीर को चलाने वाला तो कोई दूसरा है।
हथियार उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बंदूक उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, कोई भी वेपन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वेपन जिसके हाथ में है वो क्या सोच रहा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसलिए शरीर को चलाने वाला तो मन है और मन के पीछे बुद्धि है जो आपको समय समय पर बताती है कि ये करना है और ये नहीं करना है। जब आपको बुद्धि बताती है कि करना है कि नहीं करना है तब एक द्वंद्व पैदा होता है कि ये करें कि ये करें। जाते हुए सड़क पर अगर आपको बहुत बड़ी चीज मिल जाती है, कोई ऑर्नामेंट मिल जाता है, कोई कीमती बहुमूल्य चीज मिल जाती है, आपके मन में एक विचार आता है कि जेब में रख लो, किसी ने नहीं देखा, काम आएगा। इसमें बुद्धि एक संकेत और देती है कि गलत है, ये अपराध है, ये किसी का है, ये तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे पसीने का नहीं है, इसको लो पुलिस के थाने में जाकर रिपोर्ट करो कि मुझे ऐसी ऐसी चीज मिली है। थाने के माध्यम से रिपोर्ट स्टार दिलवाओ, ये चीज मिली है, अपना सबूत देकर के ले जाओ। ये दोनों चीजें मन में चलती हैं, द्वंद्व पैदा होता है। तो शरीर तो वो करेगा जो मन कह रहा है, बुद्धि कह रही है, लेकिन क्या करना है इसका संस्कार, इसका प्रशिक्षण, इसका ज्ञान, इसका बोध, इसका विवेक, ये जैसा व्यक्ति के अंदर होगा वो व्यक्ति वैसा ही होगा। दुर्योधन और युधिष्ठिर में फर्क क्या था? वो तो एक ही परिवार के थे, पांडव और कौरव दोनों पिता भाई भाई थे, एक ही राज्य के थे, एक ही जगह उनकी शिक्षा हुई थी, तो क्या फर्क था दुर्योधन में और युधिष्ठिर में? एक कहता है कि मैं सिंह की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, दूसरा कहता है आधा राज्य मत दो, पांच गांव ही सिर्फ दे दो, क्या फर्क था? और इसलिए मैं आपका ध्यान जिस तरह आकर्षित कर रहा था कि इस मानव को, इस मानव को देवता बनाने के लिए, नर से नारायण बनाने के लिए शरीर के पीछे की जो चीजें हैं वो ज्यादा निर्णायक होती हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, और इसको ट्रेनिंग और प्रशिक्षण कौन देता है? अगर हम किसी परीक्षा में विद्यार्थियों को पूछें कि शरीर के पीछे जो मन है, बुद्धि है, इसको ट्रेनिंग कौन देता है, क्या उत्तर देगा? सर्वश्रेष्ठ कौन सी चीज है वो बताओ जो इसको ट्रेनिंग देती है, एक मानव को मानव से देवता बनाती है, नर से नारायण बनाती है? तो आपका उत्तर ललित कलाएं होगा, आपका उत्तर संगीत होगा, आपका उत्तर ये भावनाओं को संस्कारित करने के जितने माध्यम हैं वो सारे के सारे माध्यम होंगे। मैं जब एक महीने के अंदर जो आपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, उनकी वैरायटी, विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम देख रहा था तो कितना अच्छा लग रहा था, संदेश मिल रहा था। जिनने रोजाना आकर के देखा होगा उनके मन को कैसी प्रेरणा मिली होगी, कैसे संस्कार मिले होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि जितनी एकेडमी है जो मनुष्य की भावनाओं को प्रशिक्षित करती है, उनको ये बताती है कि ये सही है और ये गलत है, आज समाज को इसकी आवश्यकता है। साहित्य तो समाज का दर्पण होता है ना, समाज कैसा है आप जानना चाहते हैं, आप कैसे हैं आप जानना चाहते हैं, आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे लग रहे हैं आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं। वैसे ही आपका समाज कैसा है, समाज क्या सोच रहा है, क्या समाज में चल रहा है, ये अगर आपको देखना है तो समाज का साहित्य देखो, लोग क्या पसंद करते हैं, लोग किसमें मनोरंजन अनुभव करते हैं, किस चीज को लोग पसंद करते हैं, वो जो चीज का जो नेचर है उससे उस समाज का स्वभाव का आपको पता लग जाएगा। तो जो चीज साहित्य के बारे में, वो चीज ललित कला के बारे में, वो संगीत के बारे में, वो नाट्य के बारे में, बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ा माध्यम है लोगों के मन को संस्कारित करने का। और अगर संस्कारित अगर आप ठीक करेंगे तो समाज के अंदर आपको दुर्योधन नहीं युधिष्ठिर मिलेंगे। और इस तरह की भूमिका को लेकर के जब ये कलाएं और इस तरह की एकेडमी जब काम कर रही हैं तो इनको पैसे की कमी आनी चाहिए नहीं, समझने की जरूरत, क्यों पैसे की कमी आनी चाहिए?
हमारी बीवी हरजिंदर कौर 50 लाख रुपए की मांग कर रही थी। अरे करोड़ों कुर्बान है तुम्हारे ऊपर, 50 लाख क्या? बेकर्स ऑफ पंजाब, कितनी सुंदर आर्ट्स गैलरी है, आपको ये प्रोटेस्ट मिलेंगे नहीं कहीं। पूरा प्रयास करना चाहिए। और अंत में एक बात मैं और कहता हूं कि चलता फिरता आदमी ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसके अंदर बैठा हुआ जो हृदय है, हार्ट है, अंतःकरण है, ये उसका कैसा है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्योर हार्ट आदमी महत्वपूर्ण नहीं है, उसका हृदय कैसा है, उसकी भावनाएं कैसी हैं। और इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया था, शुद्ध हृदय ये राष्ट्रीय आवश्यकता है, शुद्ध हृदय। अगर शुद्ध हृदय वाले लोगों की संख्या अगर बढ़ जाए, देश में नहीं पूरे विश्व में, तब जरा कल्पना करो कि देश और विश्व कैसा होगा। इस पे रहने वाले, इस देश और विश्व, इस धरा पर रहने वाले लोग सबके हृदय अगर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तभी देश और विश्व कैसा होगा। ये देश और विश्व ऐसा होगा कि कोई स्वर्ग में भी जाने की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि यही स्वर्ग बन जाएगा। तो क्यों स्वर्ग की लालसा करते हो, जा रह रहे हो उसी को स्वर्ग बनाओ। कठिन है क्या? कोई कठिन नहीं है, बस इतना ही है कि शुद्ध हृदय चाहिए, प्योर हार्ट चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि प्योर हार्ट बनाने की, भावनाओं को ठीक से संसार करने की, समाज की आवश्यकता क्या है उसको समझने की अगर कोई सबसे बड़ी चीज अगर है, तो वो ये सब एकेडमीज हैं जो काम कर रहे हैं, ये भावनाओं को ट्रेनिंग देती है। आप किसी अखाड़े में चले जाएंगे, आपको दांव सीखने को मिल जाएंगे, कुश्ती में विजय प्राप्त करने को मिल जाएंगे, आपका शरीर हट्टा कट्टा हो जाएगा, लेकिन भावनाएं तो ठीक नहीं होंगी। और भावना तो एक ऐसा डायनेमिक फोर्स है, ऐसा ड्राइविंग फोर्स है, ऐसा एक्सेलरेटिंग फोर्स है जो हर चीज को प्रभावित करता है, हर चीज को। और इसलिए इसको ठीक करने का जो काम है वो जितना ज्यादा होगा, उतना भारतवर्ष फिर से उसी ऊंचाई को प्राप्त करेगा जो विश्व में कभी इसने ऊंचाई प्राप्त की थी। 1893 में स्वामी विवेकानंद को पता लगा, वो तो भारत में घूम रहे थे कि शिकागो अमेरिका में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, वहां पर वो ये सिद्ध करने वाले हैं कि ईसाई रिलीजन जो है ये सर्वश्रेष्ठ है दुनिया में, दूसरे संप्रदाय सब हीन है, सेकेंडरी नंबर के। तो किसने प्रेरित किया उनको? वो तो अधिकृत वक्ता नहीं थे, वो तो मारे मारे गए वहां, यानी कैसे उनको अवसर मिला, लेकिन जैसे भी अवसर मिलाओ पूरे विश्व को हरा के आए, डंका बजा के आए। किसने प्रेरित किया उनको? किसी ने कहा नहीं था उनको, वो तो चंदा लेके गए थे। किसने प्रेरित किया? उनकी मन ने प्रेरित किया, उनकी भावना ने प्रेरित किया, उनकी बुद्धि ने उनको प्रेरित किया कि विश्व में एक बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, वहां जाओ। ये अनर्थ होने को रोकने के लिए अगर शुद्ध हृदय और भावना किसी की संस्कारित हो जाए, तो बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा परिवर्तन समाज और विश्व के अंदर हो सकता है। और आपकी कला ये मनुष्य की भावनाओं को संस्कारित करती है, और शिक्षा का संस्कार करने का बहुत बड़ा अंग है। आप सब कलाकार समाज के लिए बहुत उपयोगी हैं। मैं पुनः आप सबकी प्रशंसा भी करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। सुने सभी ने, और पूरे जैसे लोग मेडिटेशन में होते हैं ऐसे सभी के मूड मैंने देखे हैं। और मैं एक प्रार्थना करता हूं कि वैसे तो बड़ा अचंभा है कि पॉलिटिक्स की दुनिया में ऐसे सज्जन हैं, ये अच्छा लक्षण है हिंदू अपने देश के लिए। अगर ऐसे सज्जन अपने देश में पॉलिटिक्स में हैं तो ये देश के लिए अच्छा लक्षण है। और मैं आपको ये विनती करूंगा कि अरुण जी, मैं एक रिक्वेस्ट करना,
मैं ये कह रहा था कि इनके विचार सुनने के बाद जैसे कोई संत बोल रहा होता है, ऐसे मतलब वो मूड बन गया था। और मैं ये कह रहा था कि ऐसे लोगों का पॉलिटिक्स के जगत में होना हिंदुस्तान के लिए शुभ लक्षण है। और आप आम लोगों के मन बड़े साफ हैं, इनकी कभी कभी क्लास लगाया करो, सभी पार्टी लोगों सभी को इकट्ठे कर लिया करो, इनको बताओ ये बातें। और ये आपकी क्योंकि एग्जाम्पल ठीक है, प्रेबलीन पे ज्यादा असर होगा, तो इनकी क्लास ले लिया करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सूफी म्यूजिक सुनने जा रहे हैं। मुझ सूफी आप जानते हो कि सूफी ये जो मूड है, ये जो नया जो अध्यात्मिक जो अनुभव है आदमी का, ये इस्लाम और जो भारतीय संस्कृति के हाय किसकी आरजू आवारा रखती है तुझे, राह तू राहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से, कांपता है दिल तेरा अंदेशा है तूफान से, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू साहल भी तू। एहो जे मूड दी सेलिब्रेशन दा जेड़ा संगीत है ए है। मौके मिलते ने ते गवर्नर साहब मानयोग इत्थे चल के आए ने इस महफिल की शान वधाउण दे लई, ते इन्ने खूबसूरत लोग जिन्हां दी मैं संगत कर रहा ते अपना आशीर्वाद देना जी, मैंने एक बार ताड़ियां ला के थोड़ी नजर करांगे ते कुछ फोक दे विच कुछ खास जो चीज़ा ने साढ़े पंजाब दियाँ उसकी खुशबू थोनों जरूर मिलेगी जी, तो उस तो बाद कुछ संजीदा थोड़ी नज़र करांगे कबूल करना जी। बुले शाह आसमानी उड़दियां
ते जेड़ा कर बैठा ओनू कड़िया हारे उस दे जो
ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਮਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਮਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਗਰ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਰ ਗਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੇਮਸ ਸਿੰਗਰ ਗਾਵੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗ ਰਾਂਝਣ ਦੀ ਹੋਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਬਲ ਕਰਦਾ ਤੱਕਾ ਨੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਦਾ ਸਾਈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਦਾ, ਰੰਗੜ ਨਾਲੋਂ ਖਿੰਗਰ ਚੰਗਾ ਜਿਸ ਪਰ ਪੈਰ ਕਸਾਈਦਾ, ਰਲ ਫਕੀਰਾ ਮਜਲਸ ਕੀਤੀ ਪੋਰਾ ਪੋਰਾ ਖਾਈਦਾ, ਉਬਲਾ ਸ਼ਾਨ ਹੋਇਓ ਪਾਵੇ ਜੋ ਪੱਕਰਾ ਕਸਾਈ। ਯਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਓਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤਾਰਾਂ, ਓਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵੇ ਤਾਰਾਂ, ਕਮਲੀ ਦਾ ਪੜਾਈਏ ਗਿਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਨਾ,
गौर करना